16 वर्गाची आणि गोदावरी श्रेणीची तिसरी युद्धनौका INS गोमतीचं आज डीकमिशनिंग होतंय मुंबईच्या नेव्हल डॉकयार्ड इथे. सूर्यास्ताच्या वेळीला सेवामुक्त केलं जात आहे. 16 एप्रिल 1988 साली INS गोमतीचं माझगाव डॉकयार्ड इथे कमिशनिंग करण्यात आलं होतं आणि 34 वर्षाच्या गौरवशाली सेवेनंतर आज ही सेवामुक्त होतीये. या युद्धनौकेचा जर आपण इतिहास बघितला तर त्या काळची अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरलेली युद्धनौका होती, ज्यामध्ये शस्त्र त्यासोबतच सेन्सरचा एकत्रितरित्या वापर केला होता. शिवाय त्या काळची सर्वात मोठी आकाराने मोठी असलेली फ्रिगेड होती, ज्यामध्ये 2 हेलिकॉप्टर एका वेळेस लँड होतील शिवाय वाहून नेले जातील अशा प्रकारे हेलिपॅड या युद्धनौकेवर तयार करण्यात आले होते. सोबतच जर आपण बघितलं तर या युद्धनौकेने ऑपरेशन पराक्रम असेल, कॅक्टस असेल, इंद्रधनुष्य असेल अशा ऑपरेशनमध्ये ती सहभागी होती. शिवाय द्विपक्षीय किंवा बहुराष्ट्रीय सागरी सरावामध्ये सुद्धा या युद्धनौकेचा सहभाग होता. तिच्या राष्ट्रीय सागरी सुरक्षेच्या योगदानाबद्दल, तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल तिला अनेक सन्मान त्यासोबत पुरस्कार मिळालेले आहेत. आणि आज जेव्हा ही सेवामुक्त होतीये तेव्हा डीकमिशनिंग झाल्यानंतर लखनौ इथे गोमती नदीच्या किनाऱ्यावर एका खुल्या संग्रहालयात हिचा वारसा हा जतन केला जाणार आहे. कॅमेरॉन अनिल संगरेसह मी वेदांत नेब, ABP माझा, मुंबई. ने भारतीय नौसेना में 34 साल काफ़ी अच्छी नौकरी की है और देश की बहुत सेवा की है. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गोमती एक ऐसा जहाज़ है जो कि भारतीय शिपयार्ड में बना है और इंडियन नेवी ने इसको डिज़ाइन किया है. और ये मैं इसमें कहूँगा कि अगर ये पहले कदम थे आत्मनिर्भर भारत की तरफ या मेक इन इंडिया की तरफ या बिल्डर्स नेवी की तरफ, तो गोमती गोदावरी क्लास ये पहले जहाज़ होंगे जो कि इसमें शामिल होंगे. ये पहले रियल फ्रिगेट्स थे और इसके वजह से जो लेसन्स लर्न किए हैं शिपयार्ड्स ने और डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन से, उससे हम आज बहुत ही बेहतरीन और मॉडर्न जहाज़ बना रहे हैं. गोमती यहाँ से इसकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है. मुझे आई एम बहुत ही श्योर हूँ ज़िंदगी में कि गोमती एक नए अवतार में फिर से इंडियन नेवी में कमीशन होगी. और टिल देन शी इज़ गोइंग टू रेस्ट इन 76 मंजिल में. UP स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोगों की एक बातचीत चली है और उसमें उन्होंने एक नौसेना स्मारक बनाने के लिए हम लोगों के लिए सहयोग, हम लोग का उनका चल रहा है. हमारा एक MOU साइन हुआ है आज और इसकी वजह से गोमती की जो यादें हैं वो हरदम ताज़ा रहेंगी. और ये उत्तर भारत में लखनऊ स्पेशली क्षेत्र में से लोगों को नेवी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. आप देख रही हैं यहाँ कितने लोग यहाँ आए हुए हैं और ये सिर्फ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इनकी आधी से ज़्यादा जान इस जहाज़ में रहती है. तो जब जहाज़ एक डिकमीशन होता है तो बहुत ही सोम्बर और बहुत ही मौका ऐसा होता है जिसमें आदमी कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है. वो कहता है कि ये आएगा सबकी ज़िंदगी में एक समय, पर आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सेंटिमेंटल टाइम फॉर एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. एक कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होता है, एक ऑब्सोलेसेंस होता है कि हर चीज़ जो पुरानी हो जाती है उसको एट सम पॉइंट टाइम मेंटेन करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा पैसा लगता है और एट सम पॉइंट टाइम डिज़ाइन लाइफ के बियॉन्ड उस जहाज़ को चलाना सेफ भी नहीं रहता है. तो इसलिए सरकार इस बात पर डिसीजन लेती है. काफ़ी इस पर जिरह होती है, काफ़ी मुद्दे देखे जाते हैं, पर फाइनली जो डिसीजन होता है वो सरकार का होता है कि एंड सब कुछ देख करके किया जाता है. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.